नमस्ते टू ऑल। अब आगे ये डिसाइड हो रहा है कि वैकेंसी आएंगी पर आएंगी नहीं आएंगी क्लियर नहीं है, पर आपको तैयारी जो है अपनी रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स तैयारी छोड़ते नहीं है, वो ये इंतजार नहीं करते कि एग्जाम आएगा तो एक महीने हम पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट में देख रही हूँ कि सुपर टेट के लिए भी 2-3 साल से लगे हुए हैं, लगातार कोचिंग कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, तो कोचिंग में मुझे नहीं लगता कि कोचिंग इतना ज़्यादा जरूरी है। अब सेल्फ स्टडी करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। आजकल तो यूट्यूब जैसी चीज़ इतनी अच्छी बन गई है, तो अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिंपल लगते हैं, हम उन्हें छोड़ भी देते हैं, लेकिन क्वेश्चन बीच में से बन जाता है। जैसे हमारा आज का टॉपिक है हवा से हल्की गैसों के नाम, तो गैसें वगैरह इस तरह से हम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ अगर हम कहें तो यहाँ ये कन्फ्यूजिंग आ जाता है। ये जो दो वर्ड्स इसमें आएंगे ये कन्फ्यूज होते हैं कि क्या ये है, ये छोड़ देते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो गैस है ही नहीं, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें खत्म हो चुकी है। टैट हो या सी टैट हो इतनी बार आ चुका है कि आगे जो मतलब बेसिक उसका खत्म हो चुका है, अब लेवल हार्ड होता जा रहा है, अब कंपटीशन हार्ड हो रहा है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो बिना कहीं खत्म हो गए, तो बीच में से कहीं दे दी जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज में जो टॉपिक है। अगर आपको वीडियो लाइक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा जो है टीम है वो जो हमारी जो ठीक है हवा से हल्की, तो अमी गजनी की ही हाई है। ज़्यादा टाइम हम इन पर वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे और टॉपिक्स भी रहते हैं छोटी छोटी, ये टिक्स तो एकदम ही कर लेनी चाहिए। तो अ से होती है हमारी अमोनिया गैस, इनमें टाइम में स्पेंड करे जाए तो उससे कोई फायदा नहीं होता, सीधे सीधे हमें वो कर। नेक्स्ट होती है मीथेन, मी से मीथेन होती है, ये कॉमन है, मी से मीथेन होती है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि ये क्वेश्चन क्या बनता है कि गर्म हवा होती है। अब गर्म हवा में जाके कहीं ना कहीं बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है कि गर्म हवा तो कोई गैस नहीं है, नहीं भी मानते हैं। दूसरा है जल वाष्प, तो इनको गैस नहीं मानते जबकि ये गैसों में आते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो छोड़ देंगे कि दूसरी कोई गैस दे देंगे उस पर लगा दिया जाएगा, लेकिन गर्म हवा जो है और फिर हवा से हल्की है, तो कोई ये भी सोचता है कि जल वाष्प में तो पानी रहता है या गर्म हवा है तो उसका टेम्परेचर वैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। नहीं, यहाँ से क्वेश्चन इसीलिए बनते हैं कि हवा से हल्की होती है और कन्फ्यूज कर देती है स्टूडेंट को कि ये तो गैस है ही नहीं। नेक्स्ट होती है नियॉन, फिर आती है हमारी वेल नोन हीलियम और हाइड्रोजन। तो ये है हवा से हल्की गैसें, और गैसों के ऊपर जो क्वेश्चन यूपीएससी में भी कई क्वेश्चन बने हैं इस तरह के टॉपिक्स पे, इस वाले जो पॉइंट है ये इस पे बने हैं क्वेश्चन, तो आप आगे के लिए तैयार करके रखिएगा। आपको समझ में आया पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।